दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हाल फिलहाल में भारत ने इस ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की, समिट की अध्यक्षता की थी। तो भारत इस बैठक से कितना सफल हो पाया है बतौर, यदि देखें सदस्यता तो भारत ने ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसकी सदस्यता ग्रहण करने से लेकर के आज तक भारत को कितना फायदा मिला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। SCO, जिसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। इसके चार प्रमुख मुद्दे रहे थे। कौन कौन से? बॉर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में जो शामिल हैं वो आपस में एक दूसरे की बॉर्डर पे जो विवाद चल रहा है उसको सॉल्व कर सकें। जैसे कि इसमें चाइना भी मेंबर है, भारत भी मेंबर है, तो भारत और चाइना अपनी बॉर्डर के इशू को सॉल्व कर सकें। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो अभी सीमा विवाद है वो सॉल्व नहीं हो पाया है। इस मामले में तो देखा जाए, SCO की यदि हमने मेंबरशिप लिया है तो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा है। इसके अलावा टेररिज्म से क्या SCO लड़ाई लड़ पाया है? इसके साथ साथ में रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। तो SCO कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो अमेरिका को काउंटर करने के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर है, जैसे कि चीन और अमेरिका दोनों, सॉरी चीन और रशिया दोनों ही मौजूद हैं। ये दोनों तो मेनली शामिल हुए हैं, इसके साथ साथ में और भी एशियन कंट्रीज इसमें आ जाती हैं, ताकि अमेरिका के प्रभाव को सेंट्रल एशिया में कम किया जा सके। मेन उद्देश्य इसका यही रहा था। SCO की यदि हम मेंबर कंट्रीज की बात करें, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये देखिए जो सेंट्रल एशिया के ज़्यादातर कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि ईरान को भी इसका मेंबर कंट्री बनाया जा रहा है। SCO हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? इज सीन एज ईस्टर्न काउंटर बैलेंस टू नाटो। जिस प्रकार से अमेरिका ने नाटो को बनाया है, ठीक उसी प्रकार से चाइना और रशिया ने मिलकर के SCO का निर्माण किया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नाटो जो है मिलिट्री अलायंस है, लेकिन SCO किसी प्रकार से मिलिट्री अलायंस हमको देखने को नहीं मिलता है। इसके जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में सिक्योरिटी को बढ़ावा देना SCO का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ में टेररिज्म से लड़ाई लड़ना, पार्टिकुलरली जो IS टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए SCO इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस क्षेत्र में जितने भी देश आ रहे हैं, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाइना का वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव भी इसके अंतर्गत आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ में इंडिया चाहता है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है बढ़ाई जाए, हम चाबहार जो पोर्ट है विकसित करना चाहते हैं ईरान में, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, इसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के आया है, लेकिन इंडिया को ये पसंद नहीं है, क्योंकि चाइना उस क्षेत्र से इस ऑपरेशन को लेकर के जा रहा है जहाँ पर चाइना पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, और इंडिया अभी भी उसको हमारा एक अभिन्न हिस्सा मानता है। लेकिन चाइना यदि वहाँ से इस प्रोजेक्ट को गुजार देगा तो इसका मतलब ये है भारत के सामने और भी समस्या फिर खड़ी हो जाएगी उसको अपने इंडिया में मिलाने में। ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आप देखते हैं हमेशा से ही खराब रहे हैं। इसके अलावा रसिया एंड चाइना स्टैंड ऑफ ओवर यूक्रेन, तो रसिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हमको देखने को मिला है यूक्रेन के ऊपर से यदि देखें तो। अभी हाल फिलहाल में SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई है, इसमें पहली बार भारत ने अध्यक्षता किया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की बैठक में पहली बार भारत ने क्षेत्रीय देशों के इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी।
भारत कब शामिल हुआ था? भारत 2017 में पाकिस्तान के साथ एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना था। सरकार सोचती है कि इस मूल रूप से यूरेशियन समूह में शामिल होना हमारे लिए जरूरी क्यों था, क्योंकि इसमें चाइना भी है, चाइना के साथ हम हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं, टेररिज्म से हम ताकि लड़ाई लड़ सकें, ये इसके मेन मेन मुद्दे रहे थे। इसके अलावा भी ये एससीओ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य देश हैं वर्ल्ड जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा इनके पास में है। वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका पांचवा हिस्सा इनके बीच में ट्रेड होता है, जितना भी तेल का भंडार मौजूद है उसका पांचवा हिस्सा इनके पास है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस भंडार के लगभग 44% हिस्से के मालिक हैं ये सदस्य देश। इसके साथ साथ में क्षेत्रीय सुरक्षा और संपर्क के लिए, कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हम चाबहार पोर्ट की बात करे थे, क्षेत्रीय सुरक्षा की हम बात किए, तो क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी ऐसे सेक्टर हैं जो डेवलपमेंट के हिसाब से भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये भारत के लिए चुनौती भी पैदा करते हैं। वहीं यदि हम देखें पाकिस्तान में आतंकवाद और चीन की आक्रामकता और उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पहल है, इसको यदि आपको काउंटर करना है तो ये भी हमारे लिए एक प्रकार से चुनौती बन गई है। जबकि पाकिस्तान खुद इस संगठन का सदस्य है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का बने रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यही इंडिया के लिए चुनौती हो जाती है। देखिए भले ही इसका मतलब ये हो गया है कि एससीओ की जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बनाई गई है इसके अंतर्गत हम संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगे, इसके साथ साथ में यदि आप एससीओ के मेंबर बन जाते हैं तो एससीओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं, सेंट्रल एशियाई मार्केट तक आपकी पहुंच हो सकती है, वहां के जो रिसोर्सेज के ऊपर आप कहना चाहिए कब्जा कर सकते हैं या फिर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रकार से हमें रास्ता खुल गया है। अब यहां पर दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि अभी के टाइम में फिलहाल में इंडिया अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकते जा रहा है और जबकि अमेरिका को ही काउंटर करने के लिए एससीओ का गठन किया गया है, इसलिए जाहिर सी बात है अमेरिका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि अमेरिका क्वाड में भी रहे और एससीओ में भी रहे और हमारे विरोधी जो है गतिविधियों में वो शामिल हो। तो ये कोई संयोग वाली बात नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ने जिस साल एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करी थी उसी साल वो क्वाड में भी शामिल हुआ था, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। बीते साल में ये हमारी एक इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई है, ये हमारी इकोनॉमिक ज़रूरत बन गई है क्योंकि भारत ने रूस से ईंधन और उर्वरक खरीद का लाभ उठाया, ठीक है, और यूक्रेन युद्ध के मसले पर तटस्थ रहना ही चुना था कि नहीं थोड़ा सा साइड से चलिए, अपन रसिया से हम माल खरीदते जाएंगे, गैस खरीदेंगे सस्ती सस्ती, सस्ता तेल खरीदेंगे, हम रसिया की आलोचना नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हम अमेरिका के साथ में भी अपने रिलेशन को बनाए रखेंगे। अब वहीं यदि हम उम्मीद की बात करें तो जिस प्रकार से G20 के आप पोस्टर देखेंगे टीवी में, न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में, हर जगह आपको G20 ही नज़र आया, लेकिन इस प्रकार की किसी भी प्रकार का धूमधाम आपको एससीओ की मीटिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं दी, जबकि एससीओ की भी अध्यक्षता भारत ने किया, G20 की बैठक की अध्यक्षता भी भारत ने किया। अब हम बात कर लेते हैं एससीओ के नतीजों पर प्रतिकूल प्रभाव। हालांकि प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा की वजह से एससीओ शिखर सम्मेलन को स्थगित करने, अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एससीओ शिखर सम्मेलन को स्थगित कर देते हैं, फिर बाद में सोचा कि नहीं हम इसको जो है ऑनलाइन मोड के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका सम्मेलन हम कर सकते हैं। तो दो चीज़ें जो यहाँ पर घटित हुई हैं, एससीओ का जो रिजल्ट निकलेगा उसके ऊपर इसका प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप एलएसी पर देख सकते हैं, एलएसी पर चाइना के साथ में हमारा विवाद चलते आ रहा है,
तो यहाँ पर भी थोड़ा सा असर हमको देखने को मिलेगा। वहीं यदि हम बात करें कि हम कितना सफल हो पाए हों, देखिए रीजन चाहे जो भी हो, एससीओ के सदस्य देशों ने जहाँ कट्टरपंथ और डिजिटल बदलाव पर नई दिल्ली घोषणा पत्र और संयुक्त बयानों को खारिज कर दिया है, कहना चाहिए उतना ज़्यादा मेंबर कंट्रीज ने फोकस नहीं किया है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वहीं गवर्नमेंट चाह रही थी कि अंग्रेजियों को हम एससीओ की औपचारिक भाषा बनाएं, तो यहाँ पर भी किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई है। अध्यक्ष होने के बाद भी भारत ने आर्थिक सहयोग से संबंधित किसी रोड मैप का सपोर्ट भी नहीं दिया है, तो बताइए कि भारत कितना सफल हो पाया। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि इस रोड मैप पर चीन की छाप होने से जुड़ी उसकी चिंताओं की वजह से हुआ होगा। इसके अलावा चलते चलते हम एससीओ की जो अभी बैठक हुई है उसके और क्या क्या आउटकम्स हुए हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इस बार की जो बैठक हुई थी वो 23वें नंबर का समिट रहा था, तो ईरान ने ऑफिशियल तरीके से ज्वाइन कर लिया है एससीओ को एज ए 9वें नंबर का मेंबर कंट्री, 9वें नंबर का मेंबर कंट्री ईरान बन गया है। द थीम ऑफ इंडिया चेयरपर्सनशिप ऑफ एससीओ, इस बार की जो थीम रही थी एससीओ के मीटिंग की वो था टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। ठीक है, तो सिक्योर का फुल फॉर्म भी यहाँ पर बताया जाता है। ये जो सिक्योर एससीओ है ये लिया गया है फ्रॉम एक्रोनिम कॉइंड बाय द इंडियन पीएम 8 2018 एससीओ क्विंगडाओ समिट। ठीक है, तो ये जो चीज़ लिया गया है वो भारतीय पीएम के द्वारा 2018 की जो समिट हुई थी वहाँ से इसको लिया गया है। इसका मतलब होता है एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ई है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इस बार इन्हीं के ऊपर ज़्यादा भाषण में चर्चा की गई थी। इंडिया 2017 में फुल टाइम मेंबर के रूप में शामिल हुआ था 2017 में। ठीक है, इसने रोटेटिंग प्रेसिडेंसी को ग्रहण किया था पहली बार 2023 में। द एससीओ ग्रुपिंग नाउ कंप्राइजेस चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कौन कौन से डिक्लेरेशन यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं, तो पहला जो डिक्लेरेशन है वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया गया था इसके मेंबर नेशंस के द्वारा, विच स्टेट दैट द इंटरनेशनल कमिटी मस्ट कम टुगेदर। इसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल समुदाय को एक साथ आना चाहिए, इसके एक साथ आने के साथ साथ हमें टेररिस्ट से लड़ाई लड़ना है, जो सेपरेटिस्ट हैं एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं इनसे लड़ाई लड़ सके, इन पर हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो रिलीजियस इंटॉलरेंस फैलाते हैं उनको ख़त्म करना है, एग्रेसिव नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, एथनिक एंड रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेनोफोबिया है, आइडियाज़ ऑफ फासिज्म एंड चौहानिज्म, इन सबको ख़त्म करना है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल में लाए गए हैं जिनका अर्थ हम देख लेते हैं, जैसे कि जेनोफोबिया, जिसको हम जेनोफोबिया उच्चारण कर रहे हैं, एक प्रकार से फियर या फिर हेटर्ड ऑफ रीच फॉरेन पीपल एंड कल्चर, अपने देश को श्रेष्ठ मानना कि हमारे देश की कल्चर अच्छी है, हमारे देश के लोग अच्छे हैं, लेकिन विदेश के लोग अच्छे नहीं, उनकी संस्कृति अच्छी नहीं है। इस प्रकार से आप डर पैदा कर रहे हैं, घृणा का भाव पैदा कर रहे हैं, जिसको विदेशी भीति या फिर विदेशी द्वेष कहते हैं, इसको बोलते हैं जेनोफोबिया, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सोविनिज्म, सोविनिज्म का मतलब होता है कि अपने देश को अदर कंट्री से बेटर मानना, इसको उग्र राष्ट्रवाद बोलते हैं, या फिर पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ मानने की धारणा भी सोविनिज्म कहलाती है। इसके बाद फांसीवाद आया था, इटली में आपको जो तानाशाही शासक देखने को मिलते हैं उसी को यहाँ पर फांसीवाद का रूप दिया जा रहा, मतलब तानाशाही शासन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, दिल्ली डिक्लेरेशन ऐसी कहती है।